विज्ञान सर, जिस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया हुई, आपसे मेरा ये सवाल है कि जितना सामान्य जेडीयू के नेता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उतने ही सामान्य ढंग से ये ट्रांजिशन हुआ है? वो आपके रिपोर्टर तो कितनी बार बोल रहे हैं, जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। तो आपने अपने रिपोर्टर को सुन लीजिए, तो वही वो तो बता रहा है। तो ये तो पॉलिटिकल पार्टीज में ये सब होता है, इसमें कोई मतलब ये कोई बहुत बड़े वो नहीं है। नीतीश कुमार अध्यक्ष बन गए तो मतलब देश में भूचाल आ गया या दुनिया की राजनीति हिल गई। वो अध्यक्ष नहीं बनेंगे तो क्या मैं बनूंगा? तो स्वाभाविक है। तो अपना यही सब पीछे सब खेल चल रहा था। कोई ललन सिंह आ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जी उन्होंने आग्रह किया। अच्छा, नेताओं की बड़ी खासियत होती है कि अब ये टेलीविजन इतने साल से कर रहे हैं कि ये बोलते भी ऐसे हैं कि इसे बड़ी सच्चाई से बोल रहे हैं, उन्होंने आग्रह किया। अरे आग्रह क्या, पार्टी नीतीश कुमार की, नेता नीतीश कुमार, वो जब चाहेंगे अध्यक्ष रहेंगे, जब चाहेंगे कुछ और रहेंगे। और बाकी सब लोगों ने नारा ये दे भी दिया कि वो आगे का भविष्य का जो भी निर्णय लेंगे एनडीए के साथ जाने का या कहीं और जाने का, तो वो उनके साथ है। तो कुल मिलाकर इट्स बेसिकली ये मैकेनिज्म है, एक इवेंट के तौर पर इसको दिल्ली में रखा गया था ताकि अच्छा मीडिया फोकस मिले। बिल्कुल रामकृपाल सर, ये जो पूरी तस्वीर बदल रही है, इसमें आगे की राह अब क्या दिखती है आपको जेडीयू के लिए? देखिए, अभी तक की राह देख लीजिए आप। मीटिंग शुरू होने से पहले आपके संवाददाता ने जब पूछा तो कहा कि सब बीजेपी की फैलाई हुई अफवाहें हैं। तो मैं एक चीज़ कहता हूँ कि बड़े कॉन्फिडेंस से नेता झूठ बोलते हैं और बड़ी मासूमियत से हम एतबार करते हैं। तो दिक्कत यह है कि जैसा अभिज्ञान जी ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, जो आप कह रहे थे, जो आपका चैनल कह रहा था, वही सब बातें सच निकल रही हैं। लेकिन जब तक वो फैसला न सुना दें, तब तक अगर हम वो बात कहते हैं तो हम गुनहगार हैं। पत्रकार गुनहगार है, विपक्षी पार्टियां गुनहगार हैं, उनकी विरोधी जो भी हो। देखिए, नीतीश जी डी फैक्टो हमेशा जेडीयू का मतलब ही नीतीश कुमार था। आज वो डी जुरे भी हो गए, जो कहने के लिए खड़ाऊ रखा हुआ था उनका, अब वो खड़ाऊ की जगह खुद ही आ गए हैं। अब वो अध्यक्ष भी हैं, सब कुछ वही हैं। लेकिन एक चीज़ आप देखिए कि ये फैसला जेडीयू की दुविधा को खत्म नहीं करेगा। पर वो सुन लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लड़ते हैं, अभी सांसद भी है, तो पार्टी को उतना वक्त नहीं दे पाएंगे जितना पार्टी को समय आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया है और नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, इसका प्रस्ताव उन्होंने रखा है, जिससे राष्ट्रीय कार्य समिति ने सर्वसम्मत समर्थन दिया है। सभी लोगों ने हाथ उठा करके समर्थन दिया। बाहर भी नारे लग रहे थे कार्यकर्ताओं द्वारा कि नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री चेहरा बनाने के लिए। इंडिया अलायंस पे भी कोई बातचीत हुई है अभी? नहीं, इंडिया अलायंस को मजबूत करने की बात हो रही है, एक के विरुद्ध एक उम्मीदवार देने की बात की जा रही है। तो इंडिया अलायंस मजबूत होगा तभी ना भारत मुक्त होगा भाजपा से। भाजपा से भारत को मुक्त करना है और इंडिया अलायंस को बढ़ाने में नीतीश कुमार जी का सबसे बड़ा योगदान है। उनका योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। और भी वो चाहते हैं वो मजबूत करना। उनका एक ही मिशन है, एक ही उनका लक्ष्य है कि हर हालत में भाजपा से भारत को मुक्त करें। कैमरे पे अपना नाम बता दीजिए। सरवन कुमार हैं, बिहार से आए हैं, बिहार में ग्रामीण विकास मंत्री हैं। तो देखिए, प्रतिक्रियाओं का दौर भी चल रहा है। विजय सर, ये जो पूरी तस्वीर बन रही है, उसमें ये नारा जो आज गूंजा है, ये भी चर्चा का विषय है। इस नारे को लेकर क्या टिप्पणी आपकी? देखिए, नारा तो ठीक है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये अच्छा हुआ जेडीयू में भी कि दो अध्यक्ष रहे उसकी बजाय एक ही अध्यक्ष हो। पहले ललन सिंह जी अध्यक्ष थे और जो एग्जीक्यूटिव अध्यक्ष या जो काम का आदेश देने वाले थे वो नीतीश कुमार जी थे। अब दोनों जिम्मेदारियाँ उनके पास आ गई हैं। अब दूसरा लॉजिक देखिए, एक कि वो कह रहे हैं कि ललन सिंह जी ने इसलिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो मुंगेर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी की जिम्मेदारी देखिए, एक वो मुख्यमंत्री हैं, एक पार्टी के अध्यक्ष हो गए हैं, एक इंडिया गठबंधन में उनका बड़ी भूमिका होनी है, नेता होना, उनको भी चुनाव लड़ना है, वो भी उत्तर प्रदेश से लड़ना है कि बिहार से लड़ना है। तो वो मतलब काफ़ी योग्य नेताओं में से हैं कि ललन सिंह अपनी सीट के लिए ही पूरा अध्यक्ष पद छोड़ना चाहते हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार जी सभी जिम्मेदारियों के साथ भी चलना चाहते हैं। तो जाहिर है कि वो ज़्यादा मजबूत नेता हैं। अब सवाल ये भी है जो प्रकाश जी भी बात कर रहे थे कि क्या ललन सिंह को इसलिए हटाया गया। अब मैं साफ बात करता हूँ, जो आपने राजनीतिक बात की, क्या इसलिए हटाया गया कि वो लालू यादव के साथ मिलकर कुछ और खेल कर रहे थे? क्या वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे? और जो बात अभिज्ञान ने जहाँ से शुरू की थी,
डेफिसिट की, ट्रस्ट डेफिसिट की। अभी उनके नेता लोग कह रहे हैं कि हम नीतीश जी इंडिया की बजाय एनडीए के साथ जाएंगे तो हम उनके साथ हैं। तो अभी जो कार्यकर्ता है, जो नेता है जेडीयू का, उसको भी भरोसा नहीं है कि नीतीश कुमार जी किसके साथ जाएंगे। प्रधानमंत्री बनना नारा तो चलता ही रहता है, ये तो सब बैठकों में होता ही है कि नीतीश कुमार जी के लिए नारा लगना, इसके अलावा तो किसी का नारा नहीं लग सकता। ये तस्वीर तो कल साफ हो गई थी जब वहाँ पर, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये बैठक हो रही है, जो होर्डिंग्स लगाए गए थे उसमें ललन सिंह की फोटो नहीं लगाई गई थी, केवल नीतीश कुमार की। उमेश कुशवाहा जी का रिएक्शन आ रहा है, ये हो चुका। बिल्कुल बिल्कुल, ये तय हो गया है, सब समस्या निर्णय हो गया है, और उन्होंने हाथ उठा के माननीय मुख्यमंत्री जी को समर्थन किया है सब लोगों ने। क्या वजह रही, क्या क्यों निर्णय? कि देश की जो हालात है, देश किस दौर में गुजर रहा है, जो महत्वपूर्ण राजनीतिक तौर से जो है हमारा महत्वपूर्ण समय है, और जो भाजपा के द्वारा, केंद्र के सरकार के द्वारा जो लाया गया है, जो आपातकाल की स्थिति, तो उसको लेकर जो संविधान बचाने के लेकर, लोकतंत्र बचाने के लेकर, अपना अधिकार बचाने के लेकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये बागडोर रहे अपने संभाल लें। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये उमेश कुशवाहा है, बिहार स्टेट प्रेसिडेंट जेडीयू के, और इनका कहना है कि चूंकि बैठक में ये निर्णय इसलिए लिया जाना था ताकि इस राष्ट्रहित में फैसला हो। और ये मेरे साथ इस वक्त आपको अली अशरफ जी मौजूद नजर आ रहे हैं, क्या कुछ बातचीत हुई सर? बहुत अच्छी बात है। देखिए प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है, निधि आपके पास आएंगे, और एक बार फिर से रुक कर दें प्रकाश का। प्रकाश, जिस तरीके की तस्वीर बन रही, जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, अब आगे की राह क्या है? उसके बाद फिर जो 150 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को निकाला गया, उस पे चर्चा हुई, जनगणना, और जो जिस तरीके से सांसदों की बर्खास्तगी हुई, निलंबन हुआ, उसको लेकर उसका चर्चा। इसके अलावा उसके बाद जो जो राजनीतिक परिस्थिति है आज देश के अंदर, जो प्रजातंत्र की जगह पर एक तरह से देख लीजिए तो बिल्कुल जिस तरह से मुल्क का माहौल बनाया जा रहा है, उसके बारे में चर्चा हुई। उसका भी प्रस्ताव था कि हर कीमत पर हम लोग इस ताकत से जो मुल्क को कमजोर करना चाहती है उसे लड़ने का काम करेंगे। एक सवाल है जो सबसे जरूरी है कि क्या नीतीश कुमार को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी आती है तो किसी और पर भरोसा नहीं है, चुनाव सामने है, ये वजह है कि उन्होंने खुद अपने हाथ में कमान? नहीं, ऐसा नहीं है। ललन सिंह जी ने प्रस्ताव रखा कि मैं किसी भी कीमत पर मुंगेर को नहीं छोड़ सकता हूं और इस जिम्मेदारी को आप खुद लीजिए, और उनके इस जिम्मेदारी को सभी लोगों ने अनुमोदन किया और फिर नीतीश कुमार जी ने उसको एक्सेप्ट किया। तो इसमें कोई बिल्कुल और निधि के पास जाएंगे अब, अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित के साथ भी एक वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, और अंकित सीधे आपके पास आ रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, धनंजय सिंह हमारे साथ में है। धनंजय जी, क्या कुछ हुआ बैठक में? नीतीश कुमार ने अध्यक्ष पद स्वीकार कर लिया, पहला सवाल ये। जी बिल्कुल, उन्होंने स्वीकार किया और पार्टी के सभी नेताओं ने सर्वसम्मति से इस बात का स्वागत किया। ललन जी का इस्तीफा क्या एजेंडे का हिस्सा था या अचानक वो आए हैं, और क्या कुछ प्रक्रिया हुई है अंदर, क्योंकि आप अंदर मौजूद थे? नो, इट वाज नॉट पार्ट ऑफ एजेंडा। और उन्होंने अपने आप इस बात को कहा कि चुनाव है, 4 महीने बाद चुनाव है, चुनाव में ज्यादा समय संगठन को दे नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने इस पद से त्याग पत्र देकर जिम्मेदारी नीतीश कुमार से। एजेंडे का हिस्सा नहीं था वो, अचानक सामने आया, जबकि मीडिया में तो जो पिछले कल से वो पोस्टर से भी गायब हो गए थे। नहीं नहीं, ऐसी वो तो आप जो भी चलाइए, लेकिन वो स्वेच्छा से हम लोग देख रहे हैं ललन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप, उन्होंने पार्टी के लिए बहुत अच्छा काम किया, और लास्ट ईयर भी जब उनकी इलेक्शन हो रहा तब भी उन्होंने इस बात को कहा था कि नीतीश कुमार जी पार्टी की जिम्मेदारी संभाले, पूरी राष्ट्रीय परिषद में उन्होंने इस बात को कही थी, लेकिन नीतीश कुमार जी के आग्रह पे उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था। आज उन्होंने उसी बात को रिपीट करते हुए आग्रह किया माननीय मुख्यमंत्री हमारे नेता नीतीश कुमार जी से कि आप भी हंस रहे हैं, क्योंकि क्या ये जरूरी है कि अध्यक्ष, नहीं अध्यक्ष पर? बिल्कुल बिल्कुल अंकित, तो यानी कि मुंगेर का हवाला ही हर तरफ से आ रहा है। प्रकाश का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। प्रकाश, जिस तरीके की अब तमाम बातें आ रही है, प्रतिक्रियाएं आ रही है, हर कोई यही कह रहा है कि मुंगेर को संभालना तो इसलिए अध्यक्ष पद छोड़ना जरूरी हो गया था। देखिए, यही सबसे पेच है बड़ा, पार्टी बड़ी या मुंगेर लोकसभा चुनाव बड़ा। हमारे साथ महेश्वर हजारी जी है, जेडीयू के वरिष्ठ नेता है। क्या कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए चुनाव नहीं लड़ता है? जो उन्होंने ये कहा कि वो मुंगेर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते? देखिए, चूंकि आदरणीय ललन बाबू को लगभग 2 वर्ष होने को जा रहा है, पूरा टर्म नहीं हुआ, 2 वर्ष होने को जा रहा है लगभग, और चूंकि मान लीजिए ये तो सर्वमान्य नेता हमारे नीतीश कुमार जी हैं,
और नीतीश कुमार जी में ललन बाबू में ऐसी मित्रता है जो कभी टूटने वाला नहीं है। कुछ लोग मीडिया में दिग्भ्रमित करके चाहते थे दोनों में मटमटाव कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों इतनी सर्वसम्मति से आदरणीय नेता ललन बाबू जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में, उन्होंने ही यह प्रस्ताव लाया कि चूंकि मैं मेरी व्यस्तता है, मैं चुनाव। तो मेरा सवाल है कि पार्टी बड़ी या चुनाव बड़ा? मैं चुनाव लड़ूंगा, इसलिए आदरणीय नेता जो सर्वमान्य नेता है नीतीश कुमार जी जो फाउंडर मेंबर हैं वो अपना कार्यभार संभालें और सर्वसम्मति से जितने भी कार्यकारिणी के मेंबर थे सबको ने ध्वनि मत से इसको स्वीकार करने का काम किया। तो ये तो होते ही रहती है राजनीति में, तो पद आती है जाती है। आदरणीय नेता ललन बाबू ने बहुत ईमानदारी से बहुत मेहनत से पार्टी के आगे भी बढ़ाने का काम किए, हर जगह मेहनत भी करते। यही सवाल है, इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं कि किसी का कोई भी पार्टी के पदाधिकारी या कोई नहीं कि पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा था, चुनाव सामने बहाना बना दिया गया। नहीं नहीं, कहीं कोई पर्दा के पीछे नहीं चल रहा था, सिर्फ मीडिया में या सोशल मीडिया में इस तरह की बातें। ललन जी की तेजस्वी से नजदीकी, लालू से नजदीकी तो बहुत, इस तरह की बात नहीं है। ललन बाबू ईमानदारी पूर्वक पार्टी की सेवा किए हैं, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के साथ रहे और मरते दम तक रहेंगे। आपने सुना महेश्वर हजारी जी को, हर सवाल का जवाब वो टाल रहे थे, पर सवाल अभी भी वही बना हुआ है जहां से मैंने शुरुआत की थी। आखिर क्या वजह है? क्या वही वजह है जो ललन जी बता रहे हैं या फिर कुछ और बात है जिसके बारे में हम लगातार? बिल्कुल प्रकाश, सवाल भी बने हुए हैं और सवालों पर चर्चा भी बची हुई, उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं और बड़ी खबर यह है कि एबीपी न्यूज की खबर पर मोहर लगी है। ललन सिंह ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया है और नीतीश कुमार जेडीयू के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये बड़ी खबर है। सबसे पहले एबीपी न्यूज ने आपको बताया था और आज भी सबसे पहले हमने आप तक खबर पहुंचाई कि जेडीयू के नए अध्यक्ष नीतीश कुमार बन गए हैं। निधि का रुख कर लेते हैं। निधि, आपके पास आ रहे सीधे, किस तरीके की राजनीतिक हलचल इस वक्त चल रही है? बिल्कुल, देखिए मेरे साथ इस वक्त देवेशन ठाकुर है, विधान परिषद के सभापति, और सीधा एक सवाल है आपसे कि क्या यही वजह है कि जिम्मेदारी लोकसभा की है और व्यस्त रहेंगे या कोई और वजह भी? और कोई वजह नहीं, और कोई वजह दोनों की साझेदारी, राजनीतिक पारी सब 30-40 साल पुराने से हैं, इसलिए सुख दुख के साथी रहे हुए हैं, राजनीतिक साथी रहे हुए हैं, व्यक्तिगत साथी रहे हुए हैं, इसलिए कहीं दूसरी कोई बात दो पंक्तियों के बीच में ना देखा जाए। ललन सिंह दूसरी लाइन पकड़कर तो नहीं चलने वाले? नहीं नहीं, सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं। सूरज अगर नहीं निकलना हो कल सुबह तब वैसा हो सकता है। क्या सूरज नहीं निकलेगी आपको लगता है ऐसा? एकदम निश्चिंत रहें, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये भी चर्चाएं थी, हालांकि इसको लेकर के ये तो क्लियर हो गया कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ नहीं जाने वाले हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है तो संभावनाएं? अब राजनीति संभावनाओं की खेल है, लेकिन जब वो होगा आप पूरी दुनिया को सूचना दे दीजिएगा, आप ही से हम लोग को भी पता चल जाएगा। इशारों में बहुत ऐसा हम लोग को नहीं पता चल रहा, ऐसा तो पता नहीं, ऐसा कोई हम लोग को इसे कहीं दिख भी नहीं रहा इस तरह की कोई बात। इसे हम लोग नीतीश कुमार अगर लोकसभा चुनाव लड़ते हैं बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर रहते हुए तो क्या? तो बहुत अच्छी बात है अगर वो लड़ते हैं। हम तो नहीं समझते उनको एक दिन भी अपने लोकसभा में जाना पड़ेगा, लेकिन हमने ऐसा सुना नहीं है, हमने कभी ना उनके मुँह से या किसी के मुँह से नहीं सुना कि आदरणीय नेता चुनाव लड़ने वाले हैं लोकसभा के, ऐसा हमने नहीं सुना। लड़ना चाहे तो दिक्कत क्या है? बिल्कुल निधि, तो जेडीयू के नेता है, कॉन्फिडेंट है और कह रहे हैं कि जिस तरीके से मुंगेर फैक्टर है वही इस इस्तीफे का असल वजह है और कोई भी वजह नहीं है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है पटना से, नीतीश के अध्यक्ष बनने के बाद पटना में जश्न मनाया जा रहा है, पटना में जेडीयू कार्यकर्ताओं में जश्न है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, हम लोग बहुत खुश, इसलिए जिंदा। तो देखिए कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, नारेबाजी हो रही है और जेडी ऑफिस के बाहर इस वक्त जश्न का माहौल है। तो पटना में जश्न शुरू हो चुका है और जो जेडीयू के कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त जेडीयू दफ्तर के बाहर जुट गए हैं, वहां पर नारेबाजी हो रही है और कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। उनका कहना है कि नीतीश कुमार उनके बड़े नेता हैं और उनके अध्यक्ष बनने के बाद उनमें खुशी है। दिल्ली में जेडीयू की बैठक हुई है, ललन सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है, नीतीश कुमार फिर से जेडीयू की कमान संभालेंगे। हम पटना में जेडीयू कार्यकर्ता से बातचीत करेंगे, उनको क्या लगता है अब जेडीयू के कार्यकर्ता हैं, नीतीश फिर से अध्यक्ष होंगे, ललन ने इस्तीफा दे दिया, फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए नीतीश बाबू सर्वमान्य नेता हैं, हमारे ललन बाबू भी सर्वमान्य नेता हैं, लेकिन बड़ी सोच समझ के इस पर कुछ किए होंगे निर्णय कि कहीं कमजोरियां हैं, इसलिए ललन बाबू ने इस्तीफा दिया। तो इसको जेडीयू के मेन जो लीडर हैं हमारे नीतीश बाबू, इसको बढ़िया से संभाल लें और बढ़िया से फिर रास्ता में आगे के बढ़ें।
नीतीश जी बीजेपी के साथ कंफर्टेबल थे कि आरजेडी के साथ? जब जब बीजेपी के साथ ही रहे हैं तो बहुत अच्छा सीट इनको मिला है। इसका प्रमाण भी इसके पहले 19 वाला में 17 में से 16 सीटें मिली, इसलिए नीतीश बाबू भी सरमान नेता हैं। अच्छा, हमारे साथ और भी हैं, ललन सिंह हट गए हैं, अब नीतीश जी के हाथों में कमान आ गई, क्या जदयू को मजबूती मिलेगी? जी, नीतीश बाबू रहेंगे तो ठीक रहेंगे, बीजेपी के साथ नीतीश को रहना चाहिए या आरजेडी के साथ, आपको क्या? के पास इनके साथ रहना चाहिए। नीतीश को बीजेपी के साथ रहना चाहिए आरजेडी के साथ? आरजेडी के साथ रहना, आरजेडी के साथ रहना। जी जी, साथ और भी युवा हैं, जेडीयू में बड़ा बदलाव हुआ है, आगे लोकसभा चुनाव भी है, लोकसभा चुनाव से पहले संगठन में बदलाव हो गया, ललन सिंह हट गए, नीतीश फिर से अब अध्यक्ष होंगे, पहले भी रहे। जेडीयू के सब मान्यता एक ही, हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं और वो संगठन को दायित्व मिले हैं, सब लोग ने सहमति से उनको दायित्व दिया है, एक नए ऊर्जा के साथ नए क्या ललन जी की कहा यह जा रहा है कि लालू प्रसाद से नजदीकियां बढ़ गई थी, आरोप लगाया जा रहा है कि वो पार्टी तोड़कर तेजस्वी को सीएम बना सकते, सोशल मीडिया और मीडिया में लोगों पर प्रोपेगेंडा लगाया गया कि आप पार्टी से नजदीकी है, लालू मानी से नजदीकी है, ऐसा कोई बात नहीं है, बात सिर्फ हम लोग का सब मात्र नेता एक ही माननीय नेता नीतीश कुमार जी, सबको साथ लेकर चल, सबके साथ लेकर चल, जेडीयू के लिए इसी में फायदा आपको लगता है? सबका साथ और सबके कार्यकर्ता का इच्छा थी कि माननीय नेता नीतीश कुमार जी फिर से हमारे संगठन को संभाल। हाँ, ये भी जा रहा है कि पाला बदल सकते हैं, आपके आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं, कार्यकर्ता हैं कि बीजेपी के साथ कंफर्टेबल थे आपके, सिर्फ हम लोग सिर्फ नीतीश जी के कामों को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं, युवाओं नीतीश जी इतने विकास की उसको आगे बढ़ाइए, नीतीश जी जिधर जाएंगे आप लोग साथ रहेंगे, साथ लोग आते हैं, नीतीश जी से एक ही सगा है, चाहे आरजेडी आते हैं चाहे बीजेपी आते हैं, हम लोग तो साथ खड़ा एक साथ, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, लोग आना चाहते हैं, इच्छा गठबंधन को लेकर नीतीश जो भी निर्णय करेंगे पूरा कार्यकर्ता कार्यकर्ता जदयू के सब छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता उनके साथ है, और बहुत खुशी की बात है, हम लोग खुश, युवाओं में जोश है, उमंग है, बस ये हम लोग 12 से 2 पॉलिटिकल शो आप देख रहे हैं राजनीति के मैदान से। इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि एबीपी न्यूज की खबर पर मोहर लग गई है, जेडीयू की कमान बदल गई है और ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया, अब नीतीश कुमार एक बार फिर से जेडीयू के अध्यक्ष बन गए हैं। तो एबीपी न्यूज की खबर पर मोहर लगी, एबीपी न्यूज ने आपको पहले ही बता दिया था कि क्या बदलाव जेडीयू के भीतर होने वाले हैं, किस तरीके के घटनाक्रम होने वाले हैं। और सीधे रुख करते एक बार फिर से प्रकाश का प्रकाश, ये चर्चा भी लंबी हो गई प्रतिक्रियाओं के दौर में कि ललन सिंह को चुनाव लड़ना है इसलिए इस्तीफे की बात आई, लेकिन जो आरजेडी की करीबी का एंगल है क्या उसको ले, वही एक महत्वपूर्ण वजह थी, बाकी चीजें ये बताई जा रही हैं और समझाई जा रही हैं। देखिए, जब इस्तीफा हुआ ललन सिंह का और उन्होंने प्रस्ताव पेश किया नीतीश कुमार का, तो नीतीश कुमार ने क्या कहा यह भी बड़ी खबर मैं बता रहा हूं पहली दफे, कि किस तरह से नीतीश कुमार को जैसे ही कहा गया कि वो अध्यक्ष पद लेंगे उन्हें संभालना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे जो दायित्व दी जा रही है उसका निर्वहन बखूबी करूंगा। ये पहली प्रतिक्रिया नीतीश कुमार की तरफ से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये दी गई थी, और इसके बाद उन्होंने सारे जितने भी कार्यकारिणी में बैठे हुए थे सदस्य, उनको हाथ उठवाया और उनसे कहा कि सबको काम देंगे, देश भर में घुमाएंगे, सबको खटना होगा, क्या आप तैयार हैं? तो एक तरह से नीतीश कुमार ने जोश भरने की कोशिश की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जितने भी सदस्य थे उनको मिला करके। जहाँ तक आपका सवाल है कि क्या नीतीश कुमार ने इस्तीफा लिया या फिर ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया, ये भांपते हुए कि कुछ उनके बारे में नीतीश कुमार को उनके सुगुगाहट कुछ पता चल गई है, ये ज़रूर है कि हमने 2-3 नेताओं से बात की और उनसे पूछा कि क्या ये संभव है कि कोई अध्यक्ष पद इसलिए छोड़ दे क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ना है, तो किसी नेता ने इसका जवाब सही तरीके से नहीं दिया, क्योंकि ये सब जानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए भी कई दलों के नेता ही नहीं बल्कि जेडीयू के नेता वो चुनाव लड़ते रहे हैं, चाहे वो शरद यादव हों, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस रहे हों, या फिर खुद नीतीश कुमार तो चुनाव नहीं लड़ते थे लेकिन एक बार हुए थे तो उन्होंने चुनाव लड़वाया था, और आरसीपी सिंह राज्यसभा से सांसद थे, ललन सिंह खुद उन्होंने ये बात कही जी। तो ये सवालों के घेरे में आ जाता है कि आखिर क्या वही बात है जो वो कह रहे हैं या फिर कुछ और बात है। ये जरूर है कि तेजस्वी और लालू से काफी नजदीकी हो गई थी ललन सिंह की, जाहिर है कि कोई भी नेता अपने किसी नेता को दूसरे नेता के करीब होते हुए नहीं देखना चाहता है क्योंकि इसका असर पड़ता है। बिल्कुल, हालांकि ललन सिंह ब्रिज का काम करते थे जी, दोनों के बीच में पुल का काम करते थे।
बिल्कुल प्रकाश, हमारे साथ आप बने रहिए। आशीष जी आपके पास आना चाह रहे हैं, जिस तरीके से पूरी परिस्थिति बताई जा रही है, समझाई जा रही है, ये आरजेडी से जो करीबी बढ़ने की बातें सामने आ रही थी, टूट की बातें सामने आ रही थी, वही वजह है या फिर राष्ट्रीय पटल पर संयोजक नहीं बन पाए इंडिया गठबंधन में, वहां पर पीएम का चेहरा भी प्रोजेक्ट नहीं हो पाए, तो उसके समानांतर एक राष्ट्रीय स्तर पर एक पद संभालने के बाद कोई नई रणनीति पर जेडीयू आगे चल रही है? देखिए, जो ज्यादा अंदर की बात है वो बेहतर प्रकाश बताएंगे, लेकिन मेरा ये मानना है और जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक दोनों के बीच में खटास हो गई थी, और दोनों के बीच में इस हद तक खटास हो गई थी कि जब इंडिया अलायंस की बैठक चल रही थी उस दौरान नीतीश कुमार को ये बात अच्छी नहीं लगी थी कि ललन सिंह जो हैं वो बार बार कांग्रेस की हाँ में हाँ मिला रहे थे कई मुद्दों को लेकर के, और आरजेडी के साथ जो उनकी प्रॉक्सिमिटी बढ़ती जा रही थी निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को खल रही होगी। पैरेलली मैं फिर से इंसिस्ट करूंगा, उनका दूसरा बड़ा राजनीतिक मूव यही है कि एक बार सामने आ जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर तो इंडिया अलायंस के दूसरे पार्टनर्स को दबाव बनाने की ये कोशिश कर सकेंगे इनडायरेक्टली डायरेक्टली कि उनके चेहरे को भी प्रधानमंत्री के लिए कंसिडर किया जाए चुनाव बाद या चुनाव पहले, जैसा भी इंडिया अलायंस तय करता है। तो मुझे लगता है प्योरली पॉलिटिकल मूव है, एक दोनों के बीच में बढ़ती खटास की वजह से, और दूसरा अपना दोबारा से इंडिया अलायंस में वर्चस्व स्थापित करने की। जी बिल्कुल, और ये तस्वीर दिखा देते हैं, ललन सिंह की तस्वीर देखिए, आवास पर पहुंचे हैं, और ये पहली तस्वीर है अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद, तो कमान जेडीयू में बदल चुकी है और अब जेडीयू के जो नए कप्तान है वो नीतीश कुमार है, और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ललन सिंह अपने आवास पर पहुंच चुके हैं, और ये पूरी जो तस्वीर है, अभिज्ञान सर ये सवाल, जैसा कि आशीष जी बता रहे थे कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक पद लेने के बाद दबाव बनाने की कोशिश होगी या हो सकती है, क्या ये प्लानिंग भी हो सकती है जेडीयू की? नहीं, ख्याल बुरा नहीं है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत बुरा है, ठीक है, सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ख्याल बुरा नहीं है, मैं भी यहाँ बैठे बैठे ख्याल सोच सकता हूँ कि भाई मुझे क्या पोजिशनिंग मिलनी चाहिए इंडिया गठबंधन में। तो पॉइंट क्या है, ऑल्दो इज अ वेरी एस्ट्यूट पॉलिटिशियन, एक्सट्रीमली अनरिलायबल लाइक पॉलिटिशियंस आर, तो सारी खूबियाँ हैं नीतीश कुमार में, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि राजनीति में एक बड़ी पोजिशन होती है इंडिया की, और रामकृपाल जी, विजय त्रिवेदी दोनों लोग बैठे हैं बहुत ज़्यादा सीनियर एक्सपीरियंस्ड। अगर आप ऐसे नजर आने लगे कि आप राजनीति वो कर रहे हैं कि आपको पद चाहिए या आपको प्रधानमंत्री बनना है, एंड यू स्टेट द ऑब्वियस, आप खुद ही जाहिर करने लगे, ये सबसे कमजोर राजनीतिक मूव कभी कभी साबित होता है, और हो सकता है ऐसा हो जाए नीतीश कुमार के साथ, क्योंकि नीतीश कुमार इस वक्त साफ और डेस्परेट मुझे नजर आ रहे हैं कि हाँ इंडिया गठबंधन मुझे कोई ना कोई चेहरा बनाए, प्रधानमंत्री का चेहरा बनाए, उन्होंने अपनी पोजिशनिंग ऑब्वियस कर दी है। बिल्कुल, और अब देखने वाली बात होगी कि ये जब कदम ले लिया है तो उसका क्या परिणाम, वो नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे। बिल्कुल, इस पर भी चर्चा करें, इस पक्ष पर भी आएंगे। 12 से 2 पॉलिटिकल शो आप देख रहे हैं, तो जेडीयू की जो कमान है वो बदल गई है, नीतीश कुमार कप्तान हो गए हैं। रामकृपाल सर, कमान बदल गई, कप्तान बदल गया, जो नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री बनने का सपना है, क्या इस बदलाव से उसको बुलंदी मिलेगी? देखिए, नीतीश कुमार जी अच्छी तरह जानते हैं राजनीति का की सच्चाई, वो जानते हैं तीन चीजें हैं, पद, प्रतिष्ठा और पहचान, इन तीनों में से कोई एक चीज उनके हाथ में लगनी चाहिए। याद कीजिए, नीतीश कुमार आज के एक बड़े लंबे दौर के, अगर कहा जाए तो एक जमाने में लालू से बड़े नेता हुआ करते थे, जिस तरह से वो मुख्यमंत्री बने, सारी चीजें रही, और सामाजिक आंदोलन के इतने बड़े रहनुमा, आज अपने ही प्रदेश में वो तीसरे नंबर पर हैं, न ममता बनर्जी अपने यहाँ तीसरे नंबर पर हैं, न अखिलेश तीसरे नंबर पर हैं, किसी को भी देख लीजिए, लोग चाहे भले सत्ता में ना आए लेकिन वो एक राजनीतिक पार्टी जाने जाते हैं। नीतीश कुमार जी के साथ समस्या इतनी हो गई है कि जो राह पर चले आज ऐसी जगह पहुंचे हुए हैं वो, कि जहां उनको लगता है कि पद तो मिल नहीं रहा है जी, प्रतिष्ठा और पहचान ये दोनों हमारे पास रहे, क्योंकि वो पिछली बार कह चुके हैं कि मैं आखिरी मुख्यमंत्री हूं, मुख्यमंत्री की बात तो नहीं है, तो बचा क्या आपके पास है, या तो आप किसी पार्टी के अध्यक्ष रहें और एक डिसाइसिव रोल प्ले कर सकें सरकार बनाने में। अब उनका जो हालत इस समय है कि दो ध्रुव हैं, एक जा रहा है आरजेडी की तरफ, एक चाहता है बीजेपी की तरफ, क्योंकि कार्यकर्ता दोनों के साथ काम कर चुके हैं नेता। अब इस द्वंद को, इस लड़ाई को जो आज की तरह में
कि कृष्ण की तरह उन्होंने रथ को अपने हाथ में लिया है, भविष्य क्या होगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि तीन चीजें जो होती हैं, पद, प्रतिष्ठा और पहचान, इसमें नीतीश कुमार जी संघर्ष कर रहे हैं प्रतिष्ठा और पहचान के, इस संघर्ष के बीच मैं पद की बात कर नहीं रहा हूं। विजय सर, संघर्ष के बीच जो पार्टी जेडीयू में फूट की बातें सामने आ रही हैं, क्या उसकी भी भूमिका आपको दिखती है या फिर वो चीजें बच गई हैं? नहीं, बहुत संभावना हो सकती है, उस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो टूट होगी कि नहीं होगी। लेकिन मैं नीतीश कुमार जी पर जो रामकपाल सर ने जो बात की उसी में जोड़ना चाहता हूँ कि पद और प्रतिष्ठा की जो बात हुई है, हिंदुस्तान का जो एक मनोविज्ञान है उसमें पद प्रतिष्ठा जो है फकीरों को मिलती है। जब आप कहें कि मुझे नहीं चाहिए, आपने जिस दिन कहा ही जाता है कि जो फकीर बन जाता है वो शहंशाह हो जाता है। आप हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को देखिए कि जयपुर, हाँ वही बात, जय ऑब्वियस, और वो इतने डेस्परेट हो गए, और जब डेस्परेशन हाँ। पर आ जाते हैं तो फिर वो आप उससे लगातार दूर होते जाते हैं। आप देखिए वीपी सिंह को भी 1989 में याद कीजिए, उन्होंने कहा था कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, मैं केवल ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ, उनको मिल गए। दिल्ली को देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल वो आंदोलन से आ रहे थे कि राजनीति में नहीं आएंगे, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, कुर्सी नहीं लेंगे, लेकिन वो वहां पर पहुंच गए। तो डेस्परेशन जब आ जाएगा तो आप उस पद से दूर होते जा रहे हैं। बिल्कुल, और ये इंडिया गठबंधन में भी ये लगेगा कि भाई ये इतना डेस्परेट। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके की स्थितियां इसमें बनती हैं।